लाइसेंस के लिए अप्लाई करना भाई बहुत सिंपल है, ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको गूगल पे सर्च करना है। बाकी अभी होस्टकास जा रहा हूँ भाई, अपनी गाड़ी रैप हो चुकी है और हो तो पहले ही चुकी थी, मेरे को टाइम नहीं मिला था जाने का। अब फाइनली जाके पिक करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों करवाए थे, उसके एक दो रीजंस बता दूंगा, सारे नहीं बताऊंगा। भाई हमने लंदन ट्रिप के लिए 3-4 काम निपटाने हैं, आपको भी बताऊंगा वो काम क्या क्या है। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है भैया, 17 अप्रैल 2023। मैं हूँ अभी गुड़गांव में आज ना भाई, मुझे 2-3 काम निपटाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम है सिम कार्ड से रिलेटेड। अब देखो, इंडिया टू लंदन रोड ट्रिप में हम जिस भी कंट्री में जाएंगे ना, वहाँ की लोकल सिम तो लेंगे ही, क्योंकि डेटा वही सस्ता पड़ेगा हमें और वाईफाई वगैरह भी हर जगह मिल ही जाते हैं आजकल। बट जो कॉलिंग है ना भाई, अब देखो मेरे पास जो इंडिया में सिम है वो है जियो की, यही नंबर ना मेरा हर जगह बैंक में है, तो मेरे को कोई भी पेमेंट ट्रांसफर करनी है या फिर किसी को सैलरी ट्रांसफर करनी है तो ओटीपी इसी सिम में आता है। दूसरा, जितने भी मेरे ब्रांड्स है उनके पास नंबर ये वाला है, तो कॉल वॉल आएगा। तो मेरे को इंटरनेशनल ना रोमिंग प्लान चाहिए अपने इस नंबर पे, एंड मैंने सारे ही प्लान्स को कंपेयर किया तो मुझे एयरटेल का बेस्ट लगा। कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, क्योंकि प्राइस वाइज और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयरटेल ही अच्छा आ रहा था, ना जियो अच्छा है ना वोडाफोन अच्छा है, तो एयरटेल मैंने सोचा ले लेते हैं। मैंने रिव्यूज भी देखे यूट्यूब पे, गूगल पे अच्छे थे काफी, बट उसके लिए मुझे जियो से पहले सिम पोर्ट करवानी पड़ेगी अपनी एयरटेल में, फिर जाके है वो इंटरनेशनल रोमिंग पैक इनका आता है कुछ वर्ल्ड वाइड करके, तो वो मैं प्लान अभी जाके आपको भी दिखाता हूँ कितने का क्या है। अराउंड 6 महीने का है, कुछ 14,000 का या 15,000 रुपए का, तो वो सब कुछ वहीं जाके पता करते हैं। लेट्स सी, आपको भी दिखाऊंगा कि अगर आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो कौन कौन से प्लान जो है वो मिलते हैं। उसके बाद सेकंड काम है भाई, मुझे अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग परमिट बनवाना है। अब मैं पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा गया था कोर्ट बनवाने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं बनाते, यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन मैंने प्रोसेस देख लिया, वो आपके साथ साथ मैं फिल करूंगा। तो आप भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाना चाहते हो इंटरनेशनल वाला, तो घर बैठे बैठे वो भी बनवा सकते हो, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन के पास एक एयरटेल स्टोर है वहाँ जा रहा हूँ। मेरे ख्याल पोर्ट करवाने में टाइम ज्यादा लगता है, प्लान व्लान तो एक्टिवेट हो ही जाते हैं जल्दी से, तो पोर्ट का देखते हैं क्या सीन है। तो भाई पहुंच गया, ये रहा सामने एयरटेल का स्टोर, होपफुली इसी स्टोर पे हो जाना चाहिए, कहीं एक है बड़े स्टोर जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते हो ना, तो अभी की अभी हनीगेन को यूज करो। हनीगेन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी डिवाइस के बैकग्राउंड में रन होती है एंड उसके बदले आपको पैसे बना के देती है। हाँ, बट ये मत सोचना कि इतना पैसा कमा देगी कि हमारी तरह स्कॉर्पियो खरीद के दिल्ली टू लंदन हो जाओगे। हाँ, इतना है कि आपकी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन या मोबाइल का डेटा पैक रिचार्ज इतना करवा के दे सकती है। असल में ना हनीगेन आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करती है एंड उसके बदले आपको पैसे देती है। अब आप सोचोगे भाई इंटरनेट कनेक्शन यूज करती है तो कहीं हमारा पर्सनल डेटा तो लीक नहीं हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये ऐप बिल्कुल सेफ टू यूज है। ये ऐप ना सिर्फ आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज करेगी एंड इसके अलावा अगर आप और पैसा कमाना चाहते हो तो इनका रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है, जिसमें इस ऐप को अपने दोस्तों या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है एंड अगर वो लोग इस ऐप को यूज करते हो तो भाई उनकी पूरी लाइफ टाइम अर्निंग्स का 10% आपको भी मिलता रहेगा। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके डाउनलोड करो एंड मेरा कूपन कोड बैकपैकर जरूर यूज करना, जिससे आपको भाई इंस्टेंटली $5 मिल जाएंगे। और क्या चाहिए, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे रखा है। अभी फिलहाल भाई पहले जियो स्टोर जाना पड़ रहा है क्योंकि पोर्ट हो नहीं पा रही है, वो दिखा रहा है बार बार कि अमाउंट कुछ आउटस्टैंडिंग है, जबकि पेमेंट मैंने पूरी क्लियर कर दी है फिर भी। तो वही है, अब जियो स्टोर वाले नखरे करेंगे, सर क्यों करवा रहे हो पोर्ट, हमारा इंटरनेशनल प्लान ले लो, ये वो, आधा घंटा वहाँ भी मगजमारी करनी पड़ेगी। यही होता है भाई, जिस कंपनी की सिम लोगे वो तो आपको बिल्कुल ऐसे भगवान की तरह करेंगे, आइए आइए, जिस कंपनी की पोर्ट करवाने वाले हो ना, वो भाई साहब आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। मिल गया भाई इसी रोड पे बस स्टैंड के यहाँ पे, ये रहा जियो स्टोर, यहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, बाहर से ही घूर रहा है भाई वो, तो आ गए सिम पोर्ट करवाने आ गए। मजाक कर रहा हूँ, मतलब वो ऐसे बोलेगा नहीं बट रिएक्शन ऐसी होगा। तो अभी अभी यहाँ स्टोर पे आना, याद आ गया कि एक यूनिवर्सल एडाप्टर भी लेना है, क्योंकि भाई यूके और यूरोप में अलग स्विचेज होंगे तो ये वाला काम आ जाएगा, 150 कंट्रीज में कम्पेटेबल है ये, रिकनेक्ट का कर देना। कितने का ये? 999 रुपए का है। ट्रिप से रिलेटेड ना भाई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी याद नहीं आ रही है, बट जैसे ये देखो, ये अडेप्टर का मुझे याद ही नहीं था, स्टोर में सामने पड़ा हुआ देख लिया तो पता याद आ गया, तो अब पता नहीं कितनी चीजें याद आएगी कितनी रह जाएगी वो तो देखा जाएगा, अब कोई नहीं। एंड थैंक यू सो मच भाई, लोग आप इतना सपोर्ट दिखा रहे हो चैनल पे, मतलब जितनी भी वीडियोज है लंदन की अभी तक सब पे 3 लाख पार व्यूज आ गए हैं, कहाँ 1.5 लाख पे गिर गई थी अपनी रीच, तो ऐसे ही भैया 4-5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख पे पहुँचा देना,
मस्त मजे आ जाएंगे। लाल पिया जा रहा है भाई यहाँ पे गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा ताजा ताजा। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज भाई नेक्स्ट डे है सिम से रिलेटेड, और सही में जियो वालों पे इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई साहब। जब एयरटेल से जियो मैंने पोर्ट करवाया ना 2021 में, बड़ी आराम से कर दिया। अब दूसरे पोर्टिंग में ना नखरे मार रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग क्लियर करो, जबकि मैंने एडवांस 3,000 रुपए पे कर रखे अगले 2 महीनों के भी, फिर भी नहीं हो रहा। तो अब एक तरीका पता चला किसी से, वो ये कह रहे कि पहले आप ना पोस्ट पेड टू प्रीपेड कर लो जियो में ही, वो तो आराम से कर ही देंगे, इनको दिक्कत नहीं, और जो मार्जिन होगा वो सब बता देंगे कितना पे करना है या मेरे को कितना लेना जियो वालों से, और जैसी प्रीपेड होगी ना फिर एयरटेल में झट से पोर्ट हो जाएगी। तो अब यही टेक्निक अपना रहे हैं, जाकर पहले प्रीपेड में सिम में करवा लेता हूँ, 2-3 दिन में वो कर देंगे, उसमें ज्यादा नखरे नहीं करेंगे। ये नहीं खोलना, अच्छा वो निकालना, और प्रीपेड होते ही फिर मैं एयरटेल में पोर्ट करवा के इंटरनेशनल वाला प्लान डलवा लूं। एक तो जियो के कस्टमर केयर पे इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई जब मैंने फोन लगाया ना, पहले तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, जैसे ही मैंने पोर्टिंग का नाम लिया ना, कह रहे हम आपकी ना दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, और भाई साहब मेरे को 20 मिनट वेट करवाए रखा और वो ट्रांसफर हुई नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक फोन ही कट हो गया। जैसे ही मैंने पोर्ट का नाम लिया, जब तक पोर्ट का कुछ नहीं बोला था ना तब तक सही था सब कुछ भाई, बहुत गफलेबाजी है दुनिया में बहुत। होपफुली भाई अब पोस्ट पेड टू प्रीपेड हो जाए बस जल्दी से। जिस जियो स्टोर पे कल गया था ना भाई, वहां नहीं जाऊंगा, दूसरे वाले जियो स्टोर जाऊंगा, ताकि इनको मैं बताऊं ना पोर्ट का कुछ भी, सिंपल सा बस यही रहेगा कि सर मुझे पोस्ट पेड टू प्रीपेड करनी है, फटाफट से कर दो बिना टाइम। एक मैंने देखा तो था कल जियो स्टोर, होपफुली खुला होगा। ये लो भाई मिल गया, खुला भी हुआ है, चलो शुक्र है। बस गाड़ी लगाने की जगह का थोड़ा दिक्कत लग रही है, बट लगा देंगे भैया, इंडियंस हैं हम, जुगाड़ तो चल जाता है हर जगह। 75 years later फाइनली भाई हो ही गया पोस्टपेड टू प्रीपेड, कह रहे आधे घंटे से 4 घंटे के बीच में हो जाएगा। मतलब इतने भाई साहब, पता नहीं इनको एक्चुअल में नहीं पता या फिर वैसे ही बहाने मारते हैं, क्योंकि ये स्टोर वाले कहते हैं कि जियो कस्टमर केयर पे बात करो, कस्टमर केयर वाले कहते हैं स्टोर पे जाओ, तो ये इधर से उधर ना बस हमें फुटबॉल की तरह मार रहे हैं। अब होगा क्या क्या नहीं होगा वो कह नहीं सकते भाई, बट अपना प्रीपेड हो गया है, हुआ नहीं है मतलब अप्लाई हो गया है, 4 घंटे तक में हो जाना चाहिए आज में, फिर मैं कल जाऊंगा एयरटेल स्टोर और टेंशन खत्म करूंगा जाके। ना तो दिमाग खराब हो रहा था निकलने के लिए, बचे थे सिर्फ 4-5 दिन और ये सब हो रहा है एंड मोमेंट पे। भाई अभी 10 मिनट ही हुए थे और मेरे पास ना वो मैसेज भी आ गया कि आपकी सिम ऑलरेडी प्रीपेड कर दी गई है। तो चलो जियो भाई इस मामले में तो तेज निकला, फटाफट से काम हो गया है। मैं जा रहा हूँ ना, रस्ते में अगर कोई होगा स्टोर तो करवा लूंगा। तो अभी दो ऑप्शन है, एक ये 599 का 90 दिन का, बट हमें 90 दिन से ज्यादा चाहिए, इसलिए हम ये 365 डेज का ले रहे हैं, 14,999, जिसमें हाई स्पीड डेटा मिलेगा 15 GB फ्री, 3,000 मिनट मिलेंगे लोकल, आउटगोइंग, इनकमिंग सब कॉल्स मिला के 3,000 मिनट, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। 100 SMS मिलेंगे और अनलिमिटेड इनकमिंग मैसेजेस है, और जब ये आप 15 GB खत्म कर लोगे उसके बाद जो स्पीड है वो 80 KBPS पे रिड्यूस हो जाएगी, तो ये प्लान सूटेबल लग रहा है मुझे। और प्लस ये ग्लोबल पैक है, हर कंट्री में जो है वो कवर्ड है, एक बार करना भी इस पे क्लिक, लगभग 150 के आसपास शायद से है इसमें कंट्रीज, ये देखो जितनी भी कंट्रीज है यहाँ पे सब में है। और ए वाला वो करना फर्स्ट वाला सेट वन, तो अपना ये हो गया ईरान तो सबसे पहले कवर्ड है ही, दुबई में डी दिखाना, कहीं डी नीचे करना, डी होगा वही नहीं आ रहा है ना, या यूएई होगा, सॉरी यूएई, हाँ यूएई हो गया, और यूके भी हो गया यहाँ पे, और यूरोप में देखना, यूरोप देखना ई से, मेरे ख्याल वो अलग अलग कंट्रीज ही लिखी होगी सारी, है ना, तो होगा जब यूएस में कवर्ड है, यूरोप भी है भाई, तो आई नो थोड़ा महंगा, बट हमारा 110-120 दिन का प्लान है, तो उसी हिसाब से ठीक है, अब लेना बनता है भाई, क्या करे, तो अब ये एक्टिवेट करवाते हैं। प्लस में एक बेस प्लान भी लेना पड़ेगा, जैसे इंडिया में मैं ले रहा हूँ 399 का प्लान, वो तो मेरा बेस प्लान हो गया, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्लान डलेगा ये 14,999 का 1 साल के लिए, हम यूज़ तो 4 महीने में ही कर लेंगे 3,000 मिनट, क्योंकि बहुत ब्रांड की भी कॉल आएगी, घर वालों से भी आएंगे, नेटवर्क आएगा ना बट पक्का हर जगह, हाँ वही मेन है ना, नेटवर्क ही नहीं आएगा तो यूज़ कैसे करेंगे, OTPs आना मेन है सब चीज़ों का, तो बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई हो गया सिम का काम, अब ये कह रहे हैं 2-3 दिन में पोर्ट हो जाए, तो अपना आईफोन ना भाई 256 GB का, इसलिए स्टोरेज खत्म हो गई थी, मैं ये कह रहा था कि सिम कार्ड का काम हो गया, अब फटाफट से ना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, ताकि वो भी 5-6 दिन में आ जाए। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना भाई बहुत सिंपल है, ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको गूगल पर सर्च करना है, एंड उसके बाद परिवहन सेवा की वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ऑनलाइन सर्विसेज, इस पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, क्लिक करते ही इस तरह का भाई साहब मेन्यू आ जाएगा, यहाँ से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि दिल्ली से भर रहे हो, पांडे दिल्ली से भरेगा तो वो ये करेगा, मैं हरियाणा रहता हूँ तो हरियाणा का करूंगा। देन भाई ये आ जाएगा कॉन्टेक्ट लेस लाइसेंस सर्विसेज, इसमें हमें इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर ये बता देगा भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो सब जो भी है आप करके कंटिन्यू पे करो क्लिक। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना DL नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एंड कैप्चा डालना है, जैसे आप गेट DL डिटेल्स पे क्लिक करोगे एक पूरा फॉर्म निकल आएगा, एंड वो फॉर्म भी भाई कुछ ऐसे रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, नॉर्मल बेसिक फॉर्म है, आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन
तो ऑटो ही फिल हो जाएगी जो आपके लाइसेंस में डली हुई है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है और अप्लाई हो जाएगा। हार्डली 10 से 15 मिनट का पूरा प्रोसेस है। अब सही है कि भाई धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके अपना घर बैठे बैठे ही मस्त अप्लाई करो और चंगा एकदम, है ना। अच्छा, फीस की बात करें, लगभग 1200 रुपए मैंने ऑनलाइन पे करे है। इसके अलावा कहीं पे भी कुछ रुपए नहीं देने। आप एजेंट से करवाओगे तो वो 4000 रुपए तक ले लेते हैं भाई। तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो, 8 से 10 दिन उन्होंने बोला था मुझे आ जाएगा। अब देखते हैं आएगा कब, कुछ कह नहीं सकते। तो फाइनली आज मंडे आ गया और भाई वापस से आ गया हूँ कोर्ट अपनी स्कॉर्पियो एन की आरसी लेने, क्योंकि आपको पता ही है भाई उसके बिना तो लंदन जाना पॉसिबल ही नहीं है। गाड़ी शिप ही नहीं हुएगी, आरसी नहीं हुई अगर ओरिजिनल। और साथ में जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो भी मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है, बट उसका कुछ भी अपडेट नहीं आया। तो लेट्स सी कब तक आता है। भाई साहब बहुत ना नेक्स्ट लेवल वाली भसड़ मची है शोरूम से। आपको पता ही है मैं 2 महीने से फॉलो अप ले रहा हूँ, मेरी आरसी का है, आरसी का है, आरसी का है। अभी 8-9 दिन पहले मैं शोरूम होके भी आया स्पेशली और वहां पे भी पता किया, बट वो कह रहे नहीं है यहाँ पे आरसी। और अब मैं कोर्ट में 2 बार धक्के खा चुका हूँ, आज तीसरी बार आ रहा हूँ। तीसरी बार आके क्या पता चलता है, शोरूम में ही है, सेक्टर 18 डीएम महिंद्रा में ही, बताओ। तो आरसी वाला डिपार्टमेंट ना उन्हीं के पास पड़े हुए। मैंने कहा भाई साहब हद हो गई, इतने चक्कर कटवा दिए, क्या मतलब बना। तो अभी फिलहाल गन्ने का जूस पीते हैं, बहुत तेज प्यास लग रही है। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया जो मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। बाकी अभी हौसका जा रहा हूँ भाई, अपनी गाड़ी रैप हो चुकी है और हो तो पहले ही चुकी थी, मेरे को टाइम नहीं मिला था जाने का। अब फाइनली जाके पिक करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों करवाए थे। उसके 1-2 रीजंस बता दूंगा, सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। तो पहले जूस पिया जाए चिल्ड गन्ने का, के बाद निकलते हैं। कैब बुक कर दिया, कैब से ही जा रहा हूँ क्योंकि आते वक्त गाड़ी चलानी पड़ेगी ना। हाँ भाई, ठंडा जूस, मजा आ गया। अपने भाई फोन की चार्जिंग भी बहुत कम है तो रस्ते में ज्यादा शूट नहीं कर पाऊंगा। गाड़ी वहां से उठाता हूँ जल्दी से, फिर घर आके चार्ज नहीं, घर आके गाड़ी में ही चार्ज हो जाएगा। इस गाड़ी में हो नहीं सकते क्योंकि टाइप सी आती है अपने आईफोन के साथ, तो दिक्कत है थोड़ी सी। बाकी स्कॉर्पियो में फिर उसको चार्ज करेंगे फोन को और उसके बाद गाड़ी दिखाऊंगा आपको। अभी फटाफट पहुंचते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ से 50 मिनट दिखा रहे हैं, ट्रैफिक होगा वैसे तो अब दिन के टाइम पे। लो भाई पहुंच गया हूँ और ये खड़ी अपनी सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन अपनी, जिसमें रैप जो है वो हो चुका है पूरा कंप्लीट। पहले सामान रख दिया जाए जरा जल्दी से। कैसे भैया? बस बढ़िया भाई, गाड़ी ले ली और सीधा घर के लिए निकल रहा हूँ। इतनी खतरनाक वाली धूप और गर्मी है ना बाहर, 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वीडियो बनाना तो दूर की बात है, टेम्परेचर देखो भाई 39 डिग्री सेल्सियस है बाहर का। ओ भाई साहब गर्मी हो रही है खतरनाक। तो इसलिए जो प्रॉपर रैप है मैं आपको शाम को ही दिखाऊंगा, थोड़ी छाँव हो जाए। घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, दूध मलाई नहीं छाछ पीते हैं, लस्सी या छाछ, और थोड़ी शरीर को ठंडक देते हैं। वरना इतनी झुलझा देने वाली गर्मी में तो भैया हालत ही खराब हो जाए किसी की भी। रस्ते में भाई महिंद्रा का शोरूम पट रहा था तो मैंने सोचा चलो आरसी तो लेते चले, दर्शन हो जाए आरसी के। नई गाड़ी ले रखी है कब से और अभी तक आरसी नहीं मिल के दे रही। कहाँ लगाए, जगह ही नहीं है भैया, जल्दी हटा लो, 2 मिनट का ही काम है मुझे तो। लो भाई लो, फाइनली दर्शन हो गए आरसी के, अब हम लंदन जा सकते हैं फाइनली भाई, बिना किसी दिक्कत के। ना तो शिपिंग में कोई दिक्कत होगी और ना बाहर भी जाके कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आरसी आ गई है। ड्राइविंग परमिट आ जाए फटाफट और उसके बाद काम खत्म। भाई गाड़ी लग रही है बहुत तगड़ी ऊपर पूरा। ओए होए होए, मॉडिफिकेशन तो आपने देख ही ली होगी अनमोल्स गैराज पे, नहीं देखी तो जाके चेकआउट करो। और यहाँ पे भैया जो शोरूम वाले वो ये बोल रहे हैं कि आरसी अभी 1 दिन पहले ही आई है, कल तो संडे था, कल नहीं आई होगी, शायद सैटरडे आई है इनके पास, इसलिए इतनी कंफ्यूजन हो रही थी। पहले ये कह रहे थे वहां पे गई है, फिर वो वाले कह रहे थे हमारे पास नहीं है, एंड इनके पास फाइनली आ गई फिर वो परसों। अब ठीक है भाई, जो भी बात था रियल रीजन था, हमारी आरसी मिल गई वही काफी है। मेन टेंशन लगी हुई थी इसी चीज की, अब वो टेंशन भी टाटा बाय बाय होगी। भाई क्या खतरनाक रिएक्शन मिलते हैं अपनी गाड़ी को, मतलब लोग देखते हैं ना और पढ़ते हैं कि दिल्ली टू लंदन बाय रोड, मतलब सब ऐसे हैरान से हो जाते हैं कि भाई कैसे दिल्ली टू लंदन बाय रोड जा रहे हैं, ओ माय गॉड कैसे। ये देखो साइड वाली गाड़ी भी देखते हुए जा रही है। रैप के दौरान ये नंबर प्लेट निकाली होगी उन्होंने, तो ये भी लगवानी है। आगे की तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट पीछे की लगी थी तो अब इसमें बिट लगवा लेते हैं ताकि मजबूती से लग जाए, रस्ते में ना गिरे ना। अब यहाँ पे हमने देखो ऐड करवा लिया ब्लड ग्रुप भी, तो आगे भैया अपनी सारी गाड़ियों की भैया से ही लगवाते हैं हम नंबर प्लेट। स्कॉर्पियो बची थी, इसकी भी लगवाई ली फाइनली। ये लाइट भाई साहब क्या क्रेजी लग रही है आगे। भाई साहब धूप देख रहे हो खतरनाक लेवल की हो रही है, 5 मिनट खड़े होने पे भी बैंड बज जा रही है। चलो जी चलो, एक काम और करवाया मैंने जो मैं आपको अभी एक बार अच्छे से रैप दिखाऊंगा ना जब शाम को, तब बताऊंगा क्या है एक्स्ट्रा। अब दिखाता हूँ भाई जो हमने रैप चेंज करवाया। सबसे पहले आप बोनट पे देख सकते हो नमस्ते लंदन कुछ इस तरह से लग रहा है, बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे, छोटे मोटे चेंजेस है। फिर जो मेन चेंज करा ना वो करा भाई साइड का। पहले क्या था, हमारा इंडिया वाला जो पार्ट था ना वो यहाँ पे आ रहा था, जिसकी वजह से इंडिया ना कट भी रहा था और पूरा ना ये वाला जो एरिया था ना ये यूरोप वाला, ये होच पोच होके ना
फेंडर पे आ रहा था। अब फेंडर देखो छोटा सा और इतना बड़ा पार्ट वो उसमें छुप रहा था, तो हमने क्या करा पूरा फ्लिप मरवा दिया। अब इंडिया हमने यहाँ से शुरू किया जिसमें हमारा इंडिया का पूरा मैप आ गया, नीचे भी पूरा ही है, वो हल्का सा टकिन हो चुका है। एंड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए ना ये वाला पार्ट अब पूरे सेकंड डोर में आ गया, जिससे कि सारा यूरोप अच्छे से दिख रहा बड़ा बड़ा। एंड लास्ट में हमारे सारे स्पॉन्सर्स का वो है, प्लस एक ये एक्स्ट्रा करवाया मैंने दिल्ली टू लंदन बाय रोड 23 कंट्रीज वगैरह। पीछे भी मैंने ये दिल्ली टू लंदन बाय रोड लिखवा लिया एक्स्ट्रा यहीं पे, अभी शाम को आपने देखा होगा मैं करवा रहा था। ये कुछ रैप में भाई चेंजेस हुए टोटल ओवरऑल। एंड मेन हाँ एक चीज और, फ्रंट के शीशे में विंडशील्ड पे भी लिखवा लिया है दिल्ली टू लंदन बाय रोड। तो अभी ये फाइनल रैप अपना हो चुका है डन, इसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे सीधा लंदन। गजब भाई गजब, एकदम गजब भाई साहब। बाहर तो गर्मी ने सच में हालत खराब कर दी, ऐसे सर दर्द सा होने लग गया। अब एसी चलाया भाई, थोड़ा सुकून मिला। एंड फाइनली भाई अपने तीनों के तीनों कार्ड जो है वो आ चुके हैं, जो हम यूज करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के दौरान। इंट्रो वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं कौन कौन से कार्ड ले जा रहा हूँ फोरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए, एटीएम से निकालना हो, ऑनलाइन बुकिंग करनी हो। तो पूरी जो 110 दिन की हमारी लंदन ट्रिप है, उस ट्रिप पे मैं ये तीन कार्ड यूज करूंगा। एंड अभिषेक के पास अपने तीन कार्ड है, एंड इनमें से कोई भी कार्ड स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम खुद से ले जा रहे हैं। दिखाता हूँ आपको कौन कौन से। सबसे पहले तो मैंने आईसीआईसीआई का भाई एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है। मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी था, बट एक मैंने आईसीआईसीआई का भी ले लिया, दो बैंक का रहे तो सही रहता है। इससे सिर्फ मैं ऑनलाइन बुकिंग करूंगा होटल्स वगैरह की, लेकिन एटीएम से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि क्रेडिट कार्ड है ना भाई, एटीएम से पैसे निकाल लिए तो बहुत ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे। सेकंड कार्ड है ये नियो ग्लोबल का, ये मैंने ना अप्लाई तो कर दिया, बट काफी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अपनी वीडियो के, तो लोग कह रहे थे कि अनमोल भाई नियो ग्लोबल ने अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बंद कर रखे, अब ये पता नहीं परमानेंट कर दिया या कुछ टाइम के लिए है, बट स्टिल मैंने मंगवा रखा था तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते। एंड केवल 5,000 रुपए में आ गया था, मतलब 5,000 भी फीस नहीं थी, डिपॉजिट था ये। तो अगर ये कार्ड नहीं चलेगा तो 5,000 रुपए निकाल लूं। अब ये जो कार्ड है ना भाई तीसरा, ये है मेन अपना इस ट्रिप के दौरान जो यूज होगा, जो की FI का, इनका भी मैंने भाई महंगा वाला लिया है। मतलब फीस तो कोई नहीं थी, आपको डिपॉजिट ही करना पड़ता है, बट मैंने 50,000 रुपए डिपॉजिट करके भाई इन्फिनिटी वाला कार्ड लिया। तो भाई अभी मैंने चेक किया एंड फाइनली अपडेट आ गया है, प्रिंटिंग जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की अपनी होनी शुरू हो गई है एंड उनका नाम भी आ रहा है जो कर रहे हैं। तो फुली 2 से 3 दिन में ये प्रिंट होके डिलीवर भी हो जाना चाहिए मेरे पास, हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। बाकी भाई लोग इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना, बाय।